हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी आमले की बर्फी लेकर आई हूँ। आमले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता ही है, साथ साथ सर्दियों का ये औषधीय फल है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 किलो आमले का यूज़ किया है और इसमें आप छोटा बड़ा किसी भी तरह का आमला यूज़ कर सकती हैं। इसे हमने धोना है और प्रेशर कुकर में 1 सीटी बजने का इंतज़ार करना है और इसे ठंडा कर इसे पीसना है। आमले हमारे बॉयल्ड हो चुके हैं और मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम इसे इस तरह बीच में से तोड़ेंगे और इसका बीज हटाएंगे। सभी आमले इस तरह से हटाने हैं, बीज हटाकर हमने मिक्सी में पीसना है। इस आमले की बर्फी को बनाने के लिए हमारा 250 ग्राम घी लगेगा इसमें, पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर घी डालेंगे। 2 टेबलस्पून बड़े मैंने देसी घी डाल दिया है और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम पिसा हुआ आंवला डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो घी छलक कर बाहर आएगा। इसे हमें बराबर चलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं है। और जब हमें लगे कि घी कम हो गया है तो हम घी इसमें डालेंगे। आप देख सकती हैं इसने घी ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम इसमें और घी डालेंगे और इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। आमले का पेस्ट अच्छी तरह भुन चुका है, अब हम इसमें शुगर डालेंगे। 1.5 किलो आमला है और इसमें हम 2 किलो शुगर डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और बराबर चलाते हुए पकाएंगे। ये थोड़ी सी मिल्ट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे, इस तरह कर करके। आमले की बर्फी का बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें या तो फूड कलर डालें या हम हल्दी डालें। मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे। इसे चेक करने के लिए हम एक प्लेट में थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसे जरा सा ठंडा होने पर इसे गोल करेंगे। अगर ये गोल बन जाता है तो इसका मतलब हम बर्फी जमा सकते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसे मैंने एक बॉल की तरह बना लिया, इसका मतलब अब हम बर्फी जमा सकते हैं। प्लेट को मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे। आमले का बैटर हमने प्लेट में निकाल लिया है और हम इसमें बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। बादाम और पिस्ता को हम दबा देंगे जिससे ये काटने पे अलग नहीं हो। सर्दियों का मौसम है, इसे हमें फ्रिज में रखकर ठंडा करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे काटेंगे। ये बर्फी का बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे काटेंगे। हमने पीसेस काट कर सर्व कर लिए हैं। आप देख सकती हैं कितनी अच्छी बनी है ये बर्फी। इस बर्फी को अगर आपने गार्निश कर लिया है तो आप इसे 2 महीने तक रखिए। अगर गार्निश नहीं किया है तो आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर रखिए और इस बर्फी का मजा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।